नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। हैप्पी होली। दो दिन होली रहा, दो दिन सभी लोग मनाए, लेकिन दो चार ऐसा प्रश्न है जिसके कारण मुझे आज भी आप लोगों के बीच आना पड़ा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आप भी इस पर विचार कीजिएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज होली है, समय नहीं है, इसके बावजूद भी आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए ही काम किया जाता है, तो आपसे बड़ा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आज होली है। अतुल सर भी बुरा नहीं मानेंगे, हैप्पी होली उनको भी, और इससे पहले जितने भी बीपीएससी के अध्यक्ष बने सभी को हैप्पी होली एग्जाम टूर के तरफ से, एग्जाम टूर के व्यूअर के तरफ से। लेकिन एकाध दो प्रश्न है और इस प्रश्न का शायद मुझे उम्मीद है कि जवाब दिया जाएगा, और जवाब यदि दिया जाता तो अभ्यर्थी को थोड़ा सा और सुकून मिलता। अभ्यर्थी के मन में जो डर बना हुआ है उसको लगता कि हाँ 100% कुछ ना कुछ अभ्यर्थी के लिए किया जा रहा है। लगातार जिस तरीका से आर्थिक अपराध के द्वारा, आर्थिक अपराध के टीम के द्वारा जो जांच चल रहा है, और जांच में यह बताया जा रहा है कि इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस वाले क्या यही काम करते थे, यदि यही काम करते थे तो उनको बार बार प्रश्न छपाने का टेंडर क्यों दिया गया? क्या टेंडर में भी कुछ बिचबलिए का काम किया गया? क्या अधिकारी को इसमें भी कुछ पैसा रुपया मिला, इसके कारण दिया गया? आज होली है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, और बुरा नहीं मानना है, बस जवाब दे देना है। तीसरी बात मैं बता दूं, क्या TRE 1, TRE 2, TRE 3 की बात नहीं है? इससे पहले चले जाए तो जिस तरीका से छात्र नेता लोग या बहुत सारे अभ्यर्थी या बहुत लोग या सोशल मीडिया पर अब यह चल रहा है कि 64वीं से लेकर अभी तक जितना एग्जाम हुआ है उन सभी में धांधली हुआ है। एक अतुल सर का बयान भी हुआ था कि यदि प्रश्न पत्र वायरल भी नहीं होता है फिर भी उसको मानते हैं कि आउट होता है, वो शायद मुझे अभी याद होगा, अभ्यर्थी भी देखे होंगे यदि उनका बात याद होगा। एक दो प्रश्न ये है लेकिन कड़ा होगा लेकिन सत्य होगा। पहला प्रश्न ये है कि जब शिक्षा विभाग के द्वारा आपको दो बार लगातार यानी 1,70,000 और 1,22,000 के आसपास भर्ती दिया गया, तो उस समय ठीक है, पहली बार में मान लिया कि 1,70,000 में स्टेट नहीं हुआ था जिसके कारण शायद नहीं फुलफिल हो पाया, 11th 12th 9th 10th का बच्चे नहीं मिल पाए। लेकिन दूसरी बार जब 1,22,000 वैकेंसी दी गई थी उस समय भी स्टेट हो चुका था, अभ्यर्थी ज्यादा थे, तो उस समय रिजल्ट 1,22,000 क्यों नहीं दिया गया? क्या ये इसका कोई जवाब है? यदि जवाब हो तो मैं चाहूंगा कि आज होली है, होली का दिन है, तो आज अभ्यर्थी को आप कुछ संदेश दे देते। मानते हैं कि पूरक रिजल्ट के लिए आप लगातार प्रयास किए, आप 4 जनवरी को या जनवरी में आप लगातार ट्वीट भी किए कि हम पूरक रिजल्ट देंगे, लेकिन पूरक रिजल्ट आप नहीं दे पाए क्योंकि शिक्षा विभाग ने आपके साथ कुछ नहीं किया। मानते हैं शिक्षा विभाग का नोटिस नहीं आया होगा, आपने पूरक रिजल्ट नहीं दिया, इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है, क्या शिक्षा विभाग ने बोला था कि आप इतना ही रिजल्ट दें? क्या शिक्षा विभाग ने ही रोक दिया था कि 1,22,000 आप रिजल्ट ना दे? ये कैसा है? यदि आपको मालूम था कि बिहार पुलिस का प्रश्न पत्र भी लिख हुआ है, शायद उसी प्रिंटिंग प्रेस से प्रेस होता था, शायद उसी प्रिंटिंग प्रेस का संलिप्तता था, तो उस समय आप फिर TRE 1, TRE 2 या TRE 3 जो भी प्रश्न दिए क्यों उसको बार बार देते गए? इसका क्या कारण है, इसका क्या लाभ है, इसका क्या रहस्य है, आप बता देते तो अच्छा रहता। आज होली है, बुरा नहीं मानिएगा, प्रश्न पूछना मेरा काम है। और मैं बता दूं, एग्जाम टूर का केवल और केवल तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित आप सभी विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी भी मेरे पास कई सारे आरोप लगाते हैं कि सर आप थोड़ा सा ऐड डाल देते हैं, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बात आपसे हाथ जोड़कर बता दे, जो भी व्यूअर है आप यदि बताएं, किसी भी स्टूडेंट का मुद्दा हो सबसे पहले एग्जाम टूर आपके पास पहुंचता है, सबसे पहला वीडियो एग्जाम टूर का डाला जाता है। आप कभी सोचे हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपके बीच में रहता हूं, सुबह 6 बजे के बाद भोजन मिले ना मिले, 12 बजे रात में मिले ना मिले, आप देखे होइएगा मेरा इसके बारे में आप जानते हुए हमेशा विद्यार्थी के बीच में रहता हूं। मेरे एग्जाम टूर से केवल 8 से 10 परिवार चलता है, 8 से 10 परिवार चलता है इस एग्जाम टूर के माध्यम से। कोई एडिटिंग का काम करते हैं, कोई थंबनेल बनाने का काम करते हैं, कोई बहुत सारा काम करते हैं, कोई टाइपिंग का काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा एक ऐड डालना पड़ता है, वो भी मैं कभी आपसे बता दूं, सिगरेट का, बीड़ी का, कोई नशा का, किसी भी प्रकार का अगर ऐड डाला हूं तो आप बता दें। जो भी मैं ऐड डालता हूं आपके भविष्य निर्माण के लिए मैं ऐड डालता हूं। कभी भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें यदि आप पढ़े, ठीक है मैं मान लेता हूं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं। होली हंगामा चल रहा है, 21 से लेकर 28 मार्च तक ये ऑफर है। प्रीलिम्स और का जो टारगेट बैच होगा एकदम बेहतरीन होगा। कुमार गौरव सर सभी सर लोगों के साथ निर्देशित में ये क्लास चलेगा। निर्मल गौरव सर के साथ ऑनलाइन आप जुड़ना चाहते हैं, मात्र पहले 5,000 फी था, अभी 1,500 में आप जुड़ सकते हैं, एकदम फी में छूट दिया गया है और केवल 21 से लेकर 28 तक का है। आप चाहें तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एकदम नया बैच, किसी भी प्रकार का पूरे ध्यान में रखते हुए
नए पैटर्न पर होगा। टेस्ट मॉक टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, साप्ताहिक मॉक टेस्ट होगा, प्रतिदिन भी होगा। बहुत सारा इसमें सुधार किया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन होगा। तो उत्कर्ष क्लासेस का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जुड़ जाएं। नौकरी ना हो लेकिन आपको ज्ञान जरूर मिलेगा, 100% नौकरी मिलेगा यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। मैं कभी उस तरह का ऐड नहीं डालता हूं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई हानि हो। मैं कभी भी किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं करता हूं, किसी भी संस्थान का प्रोत्साहन या कोई भी बुक का या किसी भी प्रकार का आप देख लें यदि कह देंगे तो उसी दिन से मैं चैनल पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। आप लोग से किसी भी प्रकार का आज तक मैं कोई मदद मांगा हूं कि आप मुझे 500 रुपया दे, 5000 रुपया दे, 10000 रुपया दे या किसी प्रकार का बोलिएगा, कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार का उनका मुद्दा बनाना हो, किसी कोई भी वीडियो, तो इन सारी चीज को आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा दुख लगता है, जो आपके लिए 100% एफर्ट करे, जो आपके लिए सब कुछ करे उस पर आप लोग इस तरीके से आरोप लगाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आता है, शिक्षा माफिया हो गए, बहुत सारे अधिकारी लोगों का कॉल आता है, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि आप वीडियो ना बनाए, आप इस प्रकार का वीडियो ना बनाए, आप स्टूडेंट को जागरूक करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक मेरे अंदर सांस है, खून है, मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा, किसी भी प्रकार का मुझे कोई रोक नहीं सकता है, इस बात को आप जानते हैं। तो इन सारे चीज से आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। आप भी जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो हमेशा के लिए नहीं होता है, एक दिन के लिए होता है। आज भी ये मुद्दा है तो आज भर के लिए है, कल तक के लिए है, यही रहता है। मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं होता है कि भविष्य में 10 लाख 50 लाख करोड़ों में चले, नहीं, स्टूडेंट के लिए मैं बनाता हूं। आप भी देखे हुए किसी भी प्रकार का कोई लव स्टोरी फलना चिलना बहुत सारा आता है मैसेज, बहुत सारे गेम वाले लोग कॉल करते हैं कि मेरा एक प्रमोशन कर दीजिए, मैं आपको इतना लाख रुपया दे रहा हूं। मैं बोलता हूं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा कभी भी किसी भी प्रकार का स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो होता है फिर भी मैं उसको छोड़ देता हूं, जहां लगता है कि स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगा। इन सब चीज को इसलिए मैं आज बताया, सोचा कि आप लोग लगातार जो कमेंट करते हैं, जो चंद लोग हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए। आप भी कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो आपको भी पैसा चाहिए। आप भी जानते हैं यूट्यूब पर उस तरह का नहीं पेमेंट मिलता है जिस टाइप से आप सोचते हैं, लेकिन फिर भी 8 से 10 परिवार को चला पाना एक एग्जाम टूर के लिए इसीलिए किया जाता है। तो आप कभी भी किसी भी प्रकार का कमेंट करें तो एग्जाम टूर के बारे में जान लें, उसके बाद कमेंट करें। किसी भी व्यक्ति को जाने समझे उसके बाद कमेंट करें। आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करता हूं इसके बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कभी भी मैं व्यू के लिए काम नहीं किया, व्यू के लिए काम करना रहता तो भोजपुरी का कंटेंट मैं बनाता, व्यू के लिए काम कर रहा था तो राजनीति में जाकर नेताओं का इंटरव्यू लेता, उन लोगों का इंटरव्यू डालता, बहुत जगह से मेरे पास कॉल आता है फिर भी मैं उसको इग्नोर कर देता हूं, वहां नहीं जाता हूं, ताकि स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉपर व्यक्ति नहीं है जो लगातार आवाज उठाए। लेकिन मैं इसको केवल और केवल स्टूडेंट के लिए समर्पित कर दिया हूं। तो अगर स्टूडेंट सहयोग न करे तो क्या होगा? आप देखे होगा लगातार जिस तरीका से आर्थिक अपराध की टीम के द्वारा जांच चल रहा है, जिस दिशा में डायरेक्शन में जांच चल रहा है, उस तरीका से देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसको इस तरीका से कर रहे हैं। विशाल चौरसिया की बात नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी में देखिएगा जांच चल रहा है, वहां भी कई सारे लोग पकड़े गए। आटा चक्की वाले के बारे में आप जानते हैं, एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है व्यक्ति, जिनको वो भी बता रहा है कि मैं सिलेंडर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कितना खुलासा किया है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि 64वीं से प्रश्न इसी तरीके से चलता गया है। जांच करना चाहिए, तो जांच तो होना चाहिए, जांच आयोग के अंदर भी, आयोग के बाहर भी, और जो भी लगे हों उनकी जांच 100% होनी चाहिए। आप क्या विचार रखते हैं एग्जाम टूर के बारे में, आज तो कम से कम खुल के आप कमेंट कीजिएगा, आज तो सच्चाई बताइएगा। मैं हमेशा से कहता हूं आप जो बोलिएगा उसी टाइप का कंटेंट बनेगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग जो ये जानते हैं कि केवल आकर इन सारे चीज को लेकर यदि आप भी चाहते हैं तो क्या सोच रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन को जो ये विद्यार्थी पकड़े गए उनको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी तक आखिरकार क्यों बैन नहीं किया गया? क्या बीपीएससी TRE 2 का जब एग्जाम हो रहा था तो बहुत सारे लोगों के पास नोटिस भेजा जा रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट को बैन किया गया था, क्या वो डराने के लिए बैन किया गया था? क्या उनको ये समझाया गया था कि नहीं आप पर बैन कर दिया जाए ताकि कोई विद्यार्थी आवाज ना उठाए, ताकि कोई स्टूडेंट आवाज ना उठाए, ताकि कोई लीडर आवाज ना उठाए, ताकि कोई स्टूडेंट लीडर ना आवाज उठाए? बहुत सारे स्टूडेंट लीडर को देखे हुए जाकर उनकी वाहवाही कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको आपको जानना चाहिए, सबके बारे में समझना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। 1,70,000, 1,22,000 और उसके बाद आप 87,000 की बात कीजिएगा। यदि इसी तरीका से रहा तो कैसे काम चलेगा? कहीं 73,000 ज्वाइनिंग करते हैं तो कहीं 93,000 ज्वाइनिंग करते हैं, कोई 75,000 ज्वाइनिंग करते, कैसे काम चलेगा? जब कम से कम जितना वैकेंसी है
उतना तो रिजल्ट देना चाहिए। जितना पूरक रिजल्ट की आप बात किए उससे भी मुंह कर गए अभ्यर्थी, मान लिए कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो प्रक्रिया रहा, क्या आपके पहले भी ये प्रक्रिया होता था, क्या आपके समय में नहीं होता था, या अभी ये पहली बार हुआ है इसके बारे में भी संज्ञान लेना चाहिए, या इससे पहले कई एक बार हो चुका है तो क्या होगा। जो विद्यार्थी बिहार के दबे कुचले वर्ग से है, जो विद्यार्थी बिहार के अंतिम पैदान से आते हैं, जो विद्यार्थी अपने माता पिता का गहना गिरवी रख के आते हैं, जो विद्यार्थी जिनके पास केवल 2 कट्ठा जमीन है वो बेच के आते हैं, वैसे विद्यार्थी जिनके पास केवल रहने के लिए आवास नहीं है, अपना जमीन घरारी बेचकर आते हैं और वो बीए डीएलएड कोर्स करते हैं या किसी भी प्रकार का डिग्री की तैयारी करते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि एक मेरा सरकारी नौकरी लग जाए तो मेरा कल्याण होगा, उनका क्या होगा, उनके बारे में कभी भी आप सोचिए थोड़ा सा। यदि उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं तो इसको लेकर आप भी विचार कर सकते हैं। केवल पैसे वाले को नौकरी मिलेगा तो और लोगों का क्या होगा। बहुत सारे लोग अच्छे मेंस देते थे, बहुत सारे लोग वहां इंटरव्यू तक पहुंचते थे लेकिन वहां से छट जाते थे, बहुत लोग इस तरीके से काम करते थे। जब मैं बीपीएससी वगैरह का एग्जाम दिया करता था उस समय मैं भी कई बार मेंस लिखा हूं, ऐसा नहीं बहुत बार मैं भी वहां तक पहुंचा हूं, अंतिम तक पहुंचा हूं, लेकिन अब मुझे भी लगा कि मेरे साथ कहीं ना कहीं खेला हो गया। इस बात को भी आपको समझना होगा। जब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है तो मैं एक प्रतिज्ञा लिया कि इसके बाद से अब कुछ नहीं, अब विद्यार्थी के हित के लिए काम किया जाएगा। ऐसा नहीं, आप बहुत लोग जानते होइएगा जिस प्रकार से और मीडिया वाले और जो बड़े बड़े चैनल वाले लोग हैं वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, जिस बारीकी से मैं प्रश्न पूछता हूं, जो आपकी समस्या है उस समस्या का मैं उठा पाता हूं। कहिए, मैं भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था अंदर, लेकिन उस समय मुझे रोक दिया गया। उसके बाद से इसलिए रोका गया क्योंकि मैं बहुत सारा प्रश्न किया था, आप लोग वायरल हुए थे उसमें भी देखिएगा, तो मेरा जो प्रश्न रहता है वो जेन्युइन रहता है और जेन्युइन प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है, आप देख रहे हैं। खासकर स्टूडेंट के लिए कोई नहीं पहले उठाता था। आज मैं बता दूं, सबसे पहले जब हम लोग शुरू किए उस समय बहुत कम व्यूज जाता था, एक व्यक्ति लग के आपको, आप देखिएगा बिहार में सभी लोग अब एजुकेशन पर काम करते हैं, वो चाहे बड़ा मीडिया हो चाहे छोटा मीडिया हो। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब से क्या होगा, यूट्यूब से बहुत कुछ होगा। एक व्यक्ति के बनाने से आज सैकड़ों लोग आपके पीछे पीछे बना रहे हैं, स्टूडेंट के मुद्दा को उठा रहे हैं। ठीक है, सफल होना न सफल होना वह बाद की बात है, लेकिन कम से कम आपके लिए लोग आवाज तो बन रहे हैं। अभी भी आप चले जाइए तो सैकड़ों ऐसे आज वर्तमान समय में चैनल है जो एजुकेशन पर काम करते हैं, स्टूडेंट पर काम करते हैं। इसका कारण यह है कि शुरुआत किया गया, शुरुआत मेरे द्वारा शुरू किया गया, बहुत सारे लोग हैं जो शुरू किए उसके बाद इस तरीके से मुकाम पर पहुंचा, उनको कम से कम आप सहयोग करें। सहयोग में मैं कभी नहीं कहता हूं कि मुझे आप कुछ दे दे, नहीं, मुझे और केवल चाहिए कि कम से कम आप नए हैं तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, अपने अभिभावक से सब्सक्राइब कराएं। यदि मेरे कंटेंट में दम ना हो, आपका जो जेन्युइन मांग हो उसको मैं नहीं उठाता हूं तो आप सब्सक्राइब ना करें, आपकी बात को मैं नहीं रख पाता हूं तो आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। लेकिन यदि लगे कि नहीं आपके लिए कदम से कदम मिलाकर एग्जाम टूर के द्वारा चला जाता है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप भी देखते होइएगा, आप बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इस टीचर का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, इनका इंटरव्यू नहीं। अरे यार, कोई देगा तब तो इंटरव्यू लिया जाएगा। वहां यहां तो ये भी अब लगा होने है कि हमसे यही प्रश्न पूछिएगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछिएगा, वैसा मैं काम नहीं करता हूं। जो जेन्युइन प्रश्न है वो आपसे पूछेंगे, आप कोई हो, मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अतुल सर, यदि हो सके तो क्या इससे पहले भी इस तरीका से हुआ है कि प्रेस में जाने से पहले वायरल हो गया है, या इससे पहले जिस तरीका से ये लोग जो नामजद हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप यदि सही है तो सही तरीका से जांच होना चाहिए। क्योंकि होली है, होली सभी के लिए खुशी का पर्व है, फिर भी अभी अभ्यर्थी डर के रंग खेल रहे हैं कि क्या होगा, एग्जाम कब तक होगा, क्या इसी तरीका से TRE 2 में हुआ था, क्या इसी तरीका से TRE 1 में हुआ था, क्या इसी तरीका से BPSC 64 से शुरू हुआ था, क्या 65 में भी हुआ था, क्या 66 में हुआ था, क्या 67 में हुआ था, क्या 68 में हुआ था, क्या 69 तक इसी तरीका से चला, आगे क्या होगा, 70 की जो तैयारी कर रहे हैं वो रो रहे हैं। इस पर भी एक संज्ञान लेना चाहिए, एक सही तरीका से जांच होना चाहिए, एक सही तरीका से आकर कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए चेयरमैन सर को। अगर इस तरीका से सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए सर का नाम ले रहा हूं क्योंकि सर पहले बहुत अच्छा काम किए हैं, विद्यार्थी के मन में ये बन चुका था कि अतुल सर सर्वश्रेष्ठ है, अतुल सर जो काम कर दिए वो काम वास्तव में कोई नहीं किया, बार कोड दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में एग्जाम लेकर रिजल्ट देना ये काबिले तारीफ है, बहुत कम समय में आज ही आप एग्जाम देते फाइनल होता था और शाम तक में रिजल्ट आ जाता था, ये सब एक
सराहनीय कदम आपने उठाया, बीपीएससी को यूपीएससी लेवल तक ले गया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन एकाध दो जो प्रश्न विद्यार्थी के मन में है इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। केवल तारीफ करने से नहीं काम चलेगा, जो प्रश्न है उस जेन्युइन प्रश्न को रखने वाला भी व्यक्ति चाहिए। मीडिया में कम से कम न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सबों की बात की जाए। पक्ष कभी बोलता है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो इतना कर दूंगा, विपक्ष कभी बोलता है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो ये कर दूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए। आप आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। कितना प्रश्न किया जाए बिहार में लेकर, अभी जो चल रहा है लूट शिक्षा व्यवस्था में, जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं, वो चाहे गांव के विद्यार्थी हो या गांव के अभिभावक हो या गांव के जनप्रतिनिधि हो, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि डेस्क बेंच का क्या हो रहा है, ताली का क्या मामला है, इस पर भी के पाठक सर को ध्यान देना चाहिए। पाठक सर आप ईमानदार हैं, अतुल सर आप लोग ईमानदार थे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जरूर जांच होनी चाहिए कि क्या ये TRE 3 तक ही था या इससे पहले भी था, इस पर विचार करके आप लोग जरूर बताएं। जो व्यूअर देख रहे हैं उनका क्या राय है मेरे बारे में, क्या राय है एग्जाम टूर के बारे में, क्या जो मैं ये प्रश्न किया ये प्रश्न जेन्युइन है या ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, इस पर भी आप पूछें। क्या TRE 1 भी कैंसिल हो सकता है या TRE 2 भी कैंसिल हो सकता है या TRE 3 तक ही रहेगा? क्या जिस तरीके से कोर्ट के माध्यम से मांगा गया है कि आरक्षण नीति को पालन नहीं किया गया है, क्या ये बात सही है? क्या यह भी प्रश्न है कि महिला पुरुष का कटऑफ कैसे बराबर चला गया? आपने जो कमेंट किया था, आपने जो एक्सपर्ट ट्वीट किया था, उससे विद्यार्थी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन केवल और केवल बैन के चलते आपसे लगातार प्रश्न नहीं करते थे। क्या एक बहुत बड़ा कारण यह था कि विद्यार्थी को डराया जाता था? क्या डराना सही है? क्या उस समय तुरंत यह नियम था कि इनको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो विद्यार्थी पकड़े गए उनका क्या होगा, उनको कब तक बैन किया जाएगा, क्या उनको बैन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनका क्या होगा? क्या वह किसी को व्हाट्सएप किए थे उनको भी बैन किया जाएगा, क्या उनके अभिभावक पर भी किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून की बात होगी? इन सारे चीज को लेकर विद्यार्थी परेशान है, और वो चाहे शिक्षा विभाग के लोग हों, चाहे बीपीएससी के लोग हों, चाहे ईओई को द्वारा जो जांच चल रहा है, जांच के लिए तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जांच होना चाहिए और अंतिम तक जांच होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति कौन है जो ये काम शुरू किया था। पासवर्ड किसने बताया था, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है। किसको मालूम था कि आज चला जाएगा, किसको मालूम था कि यही प्रश्न आएगा, ये भी बहुत सारा प्रश्न है। इस पर भी बात विचार करके आप जवाब दें, यदि हो सके तो किसी भी प्रकार का कोई किसी भी व्यक्ति पर, मेरा मानना है कि जो इसमें संलिप्त है वो चाहे कोई हो उन पर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन जो इसमें संलिप्त नहीं है उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, हैप्पी होली सभी को। यदि आप एग्जाम डोर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे, और कोई प्रश्न आपको लगे कि नहीं आपने नहीं पूछ पाया, कमेंट में धड़ल्ले से करेंगे, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी का एज को लेकर भी डिमांड था, सब पर मैं ही बात करता हूं, इस बात को आप समझे। बात करने से नहीं होगा, आपको इसको पहुंचाना पड़ेगा उन अधिकारियों तक, उन पदाधिकारियों तक, उन नेताओं तक जहां तक ये जा सके, वहां जाएगा तभी कुछ आपको मिलेगा। आप भी देखे हुए कई एक बार बड़े बड़े लोग एग्जाम टूर का नाम लिए कि वहां से मैं वीडियो को देखता हूं, तो उन तक आपका काम है पहुंचाना, उन तक शेयर करना आपका काम है। मैं यही एक मांगता हूं कि एक सब्सक्राइब कर लें, दूसरा वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि कहीं तक पहुंचे। बहुत सारे लोग ये सब प्रश्न नहीं कर पाते हैं। जय हिंद।